सर्वे भवन्तु सुख सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। सभी सुखी हुए, सभी रोग मुक्त रहें, सभी मंगलमय घटनाओं के साक्षी बने और किसी को दुख का भागीदारी ना बनना पड़े। यही तैतृय उपनिषद के इस श्लोक के साथ मैं अचल बाथम आपके समक्ष पुनः हाजिर हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट के साथ में। एक विषय नहीं है, जीवन की सत्यता है, उस जीवन की सत्यता के साथ में और कुछ जानकारियों के साथ में। जैसे कि मेरे से जुड़े अधिकतर लोगों को पता था, मैं कुछ समय पहले कोरोना पॉजिटिव आया था और देश और दुनिया में ये भयावह भयंकर स्थिति, जो ना तो कभी किसी ने सोची थी ना कभी किसी ने जानी थी, कि ऐसा भी एक समय आएगा जब हम ग्रुपों की अगर बात करते हैं, सोशल मीडिया की अगर बात करते हैं, जहां हम शुभकामनाएं प्रेषित करते थे, जहां हम फन बहसते थे, हर चीज करते थे, वहां पे हमें हर दिन निरंतर किस घंटे किस समय हमें ओम शांति या रेस्ट इन पीस लिख के भेजना होगा। इतना ही भयावह और नेगेटिव समय चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इस कोरोना वायरस के कारण, ये कोरोना काल के कारण। इस कोरोना काल का नाम दिया गया है और इससे मैं भी जूझ रहा था और जूझते जो मैंने सीखा और जो इस बीच करना चाहिए वही जानकारी लेके आप सबके सामने प्रस्तुत हूँ। आज मेरे को समय हो चुका है, मैं होम आइसोलेशन पे था, मेरे को सबसे पहले वायरल हुआ, वायरल होने के बाद में 2 दिन मेरे को फीवर नहीं गया, फिर मैंने कोरोना टेस्ट करवाया, मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई और मेरे को एडमिट करने बोला था, लेकिन मैंने डॉक्टर से परमिशन लेके होम आइसोलेशन को अपनाया और ये माना। और एडमिशन की अगर बात करते तो वही देखा जाए तो भोपाल में इस समय सभी जगह हॉस्पिटल्स की बहुत ज़्यादा किल्लत है, ऑक्सीजन की बहुत ज़्यादा किल्लत है, हर चीज़ की। मैंने अपनी विल पावर को सपोर्ट करके घर के लिए होम आइसोलेशन को चुना और होम आइसोलेशन में रहते रहते जितने नियम थे, जो जो चीज़ें थी जो फॉलो करनी चाहिए, जो कर रहा था मैं और जो आपको बताऊँगा, ये सब करते करते आज आपके सामने अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद से, अपने दोस्तों के, स्टूडेंट्स की प्रार्थनाओं के कारण और अपनी विल पावर के कारण मैं स्वस्थ तरीके से आपके सामने बैठा हूँ और कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपके सामने रखना चाह रहा हूँ कि इस होम आइसोलेशन में अगर आपको कोरोना होता है तो होता क्या है, इससे कुछ सिम्टम्स को पहचाने कैसे। हर जगह लिखा गया है लेकिन मैंने जो महसूस किए हैं वो सिम्टम्स आपको बताना चाह रहा हूँ। अचानक से बुखार आ जाना, बुखार आने के बाद में पूरे शरीर का टूटना, आपके साथ फीवर का वापस नहीं जाना, दवाइयाँ खाने के बाद भी बुखार का शरीर नहीं होना, ऐसा मेरे साथ नहीं हुआ था। उस दिए हैं सिम्टम्स में कि टेस्ट चले जाना, मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ था, ठीक है। तो ये भी एक सिम्टम्स है, टेस्ट का नहीं, टेस्ट का चले जाना, ठीक है। किसी चीज़ की खुशबू का ना आना, ये भी सिम्टम्स है, ये मेरे साथ नहीं होते हुए बाकी के सिम्टम्स का मैं शिकार हुआ था। और उन सबके साथ साथ जब मैंने रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट करवाने के बाद में पता चला कि मैं कोरोना पॉजिटिव है। हम अक्सर रिपोर्ट्स की अगर बात करते हैं तो हम तुरंत जाके कोरोना की रिपोर्ट करवाते हैं, लेकिन आप बहुत अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहिए। मैं धन्य हूँ कि मैं बहुत अच्छे डॉक्टर के संपर्क में रहा हूँ। आपके साथ कोरोना की रिपोर्ट के साथ साथ में आपके कुछ ब्लड टेस्ट होते हैं, ठीक है, वो भी करवाना जरूरी है, जिससे कि एग्जैक्टली इन्फेक्शन का पता चलता है कि आपकी बॉडी में इस समय कितना प्रतिशत इन्फेक्शन है और वो कहाँ तक गया है। सबसे पहले आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए जो अपने डॉक्टर से रिकमेंड करवा के, जैसे CVP है, CRC या CRP है, ठीक है, डी डायमंड टेस्ट है, ठीक है, ये कुछ टेस्ट है वो आपको टेस्ट करवाना चाहिए अपने डॉक्टर से पूछ के, ठीक है, एक्सरे करवाना चाहिए। उसके अलावा जब कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट आ जाए फिर जब आपको मिलता है तब आपको सिटी स्कैन करवाना चाहिए, HRCT जिसे बोलते हैं वो, तो उससे आपको सबसे पहले तो आप उसको पहचानो कि आपके शरीर के अंदर इन्फेक्शन की मात्रा और प्रतिशत कितनी ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद में आप डॉक्टर के कहे अनुसार बार बार बोलो, डॉक्टर के कहे अनुसार घरेलू नुस्खे पे ना जाते हुए अगर स्थिति ऐसी आती है तो तुरंत डॉक्टर के कहे अनुसार जो जो दवाइयां वो देते हैं, सरकार ने बहुत अच्छी सुविधा दी है, मैंने भी सरकार की तरफ से दिखाया था, हमीदिया हॉस्पिटल दिखाया था, वहां पे डॉक्टर्स ने मेरे को सपोर्ट किया,
वो पूरा पैकेज, दवाइयों का पूरा पैकेज बना हुआ, वो पैकेज आपको दिया जाता है, उस पैकेज को टाइम के अनुसार फॉलो करना जरूरी है, ठीक है। और लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे आती हैं, और सच कहूं डर लगता है। आप कितने पॉजिटिव या कितने मजबूत हो जाओ, लेकिन जब आपके साथ ऐसा होता है, हम लोगों को बोलते हैं, लेकिन आपके साथ होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे वो यहाँ शंका आती है। उस शंका को बचाने के लिए आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉजिटिविटी के साथ में आप हर चीज को पहले रिपोर्ट को जान के, तो आपके इन्फेक्शन के प्रतिशत को जान के, अपने वेलबींग, लोगों के सर के से टच में रह के, डॉक्टर के टच में रह के, उस चीज का चुनाव कीजिए कि आपको कहाँ जाना चाहिए। अगर आपका इन्फेक्शन ज्यादा है तो आप हॉस्पिटल जाइए, अगर आपका इन्फेक्शन ऐसा लग रहा है या आपकी विल पावर ऐसी है या आपको लगता है कि आपका सुविधा इस प्रकार की है कि आप घर पे ही अपने आप को आप सिक्योर कर सकते हो, डॉक्टर से अगर आप कंटिन्यू संपर्क में रह सकते हो, तो घर का चुनाव कीजिए, होम आइसोलेशन को अपनाइए। सो मैं आपको यहाँ पे क्या बताने के लिए बैठा हूँ, इस होम आइसोलेशन के अंदर कुछ किन किन महत्वपूर्ण चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज आपके पास होना चाहिए, उस चीज को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूँ कि भगवान ना करे किसी के साथ ऐसी ऐसी स्थिति आए, लेकिन अगर आती है तो आपको किन किन चीजों को पहले से तैयार रखना है, अपने पास में पहले से आपके घर में क्या क्या चीज होनी चाहिए। तो मैं एक एक करके कोशिश करके हर चीज वो बताऊंगा जो मैंने उपयोग की थी घर के अंदर, ठीक है, जो मेरे पास होती है निरंतर, आपको डॉक्टर को क्या क्या बताना चाहिए वो, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं एक एक चीज को लेके। सबसे पहले आपके पास में आपके कमरे के अंदर एक सबसे पहले कमरे का चुनाव कीजिए, हवादार कमरे का चुनाव कीजिए, ठीक है। और कमरे से लगा हुआ आपका टॉयलेट होना चाहिए, कमरे से लगा हुआ आपके पास टॉयलेट होना चाहिए। इन चीजों का विशेष ध्यान रखिए, कमरे के अंदर जब तक आपको होम आइसोलेशन कहा जाता है 14 डेज का, उस समय तक किसी को भी कमरे के अंदर एंट्री मत दीजिए, बिल्कुल भी एंट्री मत दीजिए, बिल्कुल भी, ठीक है। घर में उनको समझदार लोगों को ऐसे रखिए जो आपको घर के कमरे के बाहर ही आपको जो आपकी सुविधा की जो चीजें हैं वो आपको मुहैया करवा सके, ठीक है। खाने से लेके जो जो चीजें हैं, आपको खाना मिलता है खाना लीजिए, खुद के बर्तन खुद धोइए और वापस वहां रख दीजिए, उनसे बोलिए कुछ समय के बाद इन्हें उठाइएगा, बर्तन धो के सैनिटाइज करके वहां रखना है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना सबसे पहला काम हमारा ये है। उसके बाद में कमरे के अंदर क्या क्या चीजें होना इंपॉर्टेंट है, उसमें सबसे पहले जिन चीजों के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, उन चीजों में सबसे पहले जो चीज आपके पास होना चाहिए ऑक्सीमीटर। सबसे पहले आपके पास चीज होना चाहिए ऑक्सीमीटर। ये ऑक्सीमीटर आपको किसी भी कंपनी का आप ले सकते हैं, मार्केट बहुत मुश्किल से मिल रहा है। ये हेमेक्स कंपनी का मैंने बुलवाया था, ठीक है। किसी भी कंपनी का आप ये ऑक्सीमीटर ले सकते हैं। ऑक्सीमीटर है क्यों, ये आपको निरंतर हर घंटे का, हर आधे घंटे, हर एक घंटे के अंदर, हर समय समय पे ये आपको आपके फिंगर पे लगा के, ये स्विच इसमें दिया हुआ है, स्विच को दबा के यहां से ऐसा होता है, इसको इस प्रकार से फिंगर पे लगाना है। ये जैसे आप फिंगर पे लगाते हो, आप यहाँ पे स्विच ऑन करेंगे, स्विच ऑन करके यहाँ पे आपको आपकी पल्स, जो भी आपकी बॉडी की पल्स चल रही है, जो आपका ऑक्सीजन लेवल है, कितना अप डाउन जा रहा है, कैसा हो रहा है, कैसा नहीं हो रहा है, उसकी सबकी रिपोर्ट ये आपको निरंतर देता है। वो यही रिपोर्ट हमें सचेत करती है कि हमारी स्थिति अभी कैसी है, कैसी नहीं है। आपका सेचुएशन, जो ब्लड, जो ऑक्सीजन सेचुएशन होना चाहिए, वो वैसे बेस्ट होता है 95 प्लस होना चाहिए, ठीक है। डॉक्टर ने कहा वो 95 से नीचे गया तो, अगर 90 से नीचे आया तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कीजिए, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाइए, ठीक है। ये मेरा सेचुएशन, मेरा 78 तक जा चुका था, 88 तक गया था, 86 तक गया था, 90 तक गया था, ये अप डाउन होते होते चला गया था। आज की स्थिति में ये मेरा सिचुएशन 96 और 98 के मध्य में चल रहा है, कंटिन्यू में ये स्थिति अच्छी है। आप सांस लेने में आपका ऑक्सीजन कितना पास हो रहा है, कितना पास नहीं हो रहा, उसके लिए ये डिवाइस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास ऑक्सीमीटर है, नंबर वन ऑक्सीमीटर। ऑक्सीमीटर के बाद में आपके पास होना चाहिए दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो होना चाहिए आपके पास एक थर्मामीटर। किसी भी कंपनी का थर्मामीटर होना चाहिए, नेंस कंफर्ट का मैंने थर्मामीटर लिया हुआ है, थर्मामीटर होना चाहिए। जो थर्मामीटर आपको निरंतर डिजिटल लीजिए, हमें ज्यादा पता नहीं होता है तो डिजिटल लीजिए, ठीक है, ज्यादा महंगा नहीं आता है, 500 के अंदर अंदर बहुत अच्छा थर्मामीटर आ जाएगा, वो आपके घर में निरंतर होना चाहिए। ये आपको हर समय पे आपके बुखार को टेस्ट करने, हर एक घंटे के अंदर अपना बुखार टेस्ट कीजिए कि आपका टेम्परेचर कितना चल रहा है।
अगर 101 के ऊपर है, 100 से ऊपर है, आपका बुखार चल रहा है 101, 102, 103, तो ये टेंशन वाली बात है, अपने डॉक्टर को बिल्कुल बता के रखिए, ठीक है। ये आपके ऑब्जर्वेशन वाली चीजें हैं, ये दोनों चीजें आपके पास होना चाहिए। उसके बाद में आपके पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीजें कहती है डॉक्टर, कहते हैं हर जगह पे कि आपके पास में भाप लेने के लिए, आपके पास में स्टीम लेने के लिए एक डिवाइस होनी चाहिए। ये मेरे पास रखी हुई है, ये हमें स्टीम लेने के लिए इलेक्ट्रिक से कनेक्टेड ये स्टीम लेने के लिए है। इसमें आपको पानी भर के रखना होता है। अगर आपको डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कैप्सूल डालने की तो डालिए, नहीं तो मत डालिए। किसी भी घरेलू चीजों को डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल पानी रखिए, पानी पीने वाला रखिए, साफ पानी रखिए, बाथरूम में यूज होने वाला पानी मत रखिए, ठीक है। साफ पानी रखिए, और साफ पानी रखने के बाद में इसे, ये जैसे कि आप देखेंगे स्विच से कनेक्टेड है, ठीक है, इसको लेके हर आधे घंटे कम से कम दिन के दिन में 6 से 7 बार, 6, 7, 8 बार, जैसी आपकी स्थिति है, इन्फेक्शन है, उस उतनी बार आप इससे भाप लीजिए। इसको आप शुरू करते हैं, ये शुरू होता है, यहाँ से भाप निकलती है, और भाप हम डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें नाक में एकदम से हमें दिक्कत होने लगे, छाले भी हो सकते हैं कुछ चीजें, तो इसके लिए सबसे क्या करना है, जब आप भाप लेते हैं तो ऊपर से टॉवल रख लीजिए, टॉवल से भाप लीजिए, टॉवल से जितनी भाप आपके पास आती है वो पूरी की पूरी भाप लीजिए। कोशिश करके सिर्फ उसे नाक से भाप लीजिएगा, लंबी भाप लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए, लंबी भाप लीजिए, धीरे धीरे छोड़िए। तो ये आइटम आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा जो आपके पास होना जरूरी है वो है ये इनहेलिंग सिस्टम। ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को अच्छा अच्छा बना के रखता है। जब जब आपको समय मिलता है, आपकी स्पीड जैसे होती है, ये एक डिवाइस है, ठीक है। इसका जैसे कि हम योग में काम करते हैं, अगर आप योग करते हैं तो बहुत अच्छी चीज है, मैं वो भी आपको बताने वाला हूँ। उसके अलावा ये एक डिवाइस आपके पास होना चाहिए, ये भी ज्यादा महंगी नहीं आती। इसमें क्या करना होता है, ये इसमें आपको यहाँ पे एक सिस्टम दिया हुआ है, यहाँ आपको मुंह पे लगा के इसको अपनी हवा छोड़नी है, बहुत तेजी से छोड़नी है। ये आपको सबसे पहले हवा छोड़नी होती है, छोड़ने के लिए आपके पास सिंपल ये आप ऐसे रखेंगे, इसको पलटेंगे और यहाँ हवा जैसे छोड़ेंगे, ये बॉल इसलिए होते हैं, जैसे आप हवा छोड़ेंगे तो ये तीन बॉल्स आपके सामने दिखेंगे, पास से देखेंगे ये तीन बॉल्स आपके पास दिखेंगे, ये बॉल्स आपके पास ऊपर आनी चाहिए करके सब, ठीक है। फिर आप इसको पलटेंगे, फिर आप हवा वापस लेंगे, आप वापस लेंगे, इस प्रकार से, तो ये आपकी सांस की प्रैक्टिस आपको करेगा। जब लेकिन थोड़ी स्थिति आपकी सही हो तब आप इसका उपयोग कीजिए, ठीक है। ये डिवाइस आपके पास होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए गिलोय का जूस होना चाहिए, गिलोय का सिरप होना चाहिए आपके पास में। ये आप पानी के साथ में आप जैसे जो इसके अंदर दी हुई है उस हिसाब से ले सकते हैं आप। इसके अलावा अगर आपको सर्दी बनी रहती है, क्योंकि देखिए सांस का ही सबसे बड़ा खेल है, सबसे बड़ा खेल इसके अंदर सांस का है। अगर आपको सर्दी में, मेरी तासीर ऐसी है कि मुझे बहुत जल्दी सर्दी हो जाती है, मेरी नोजल ब्लॉक हो जाती है, ऐसी स्थिति के लिए आप अपने पास में ये ऑट्रिविन अपने पास इसे रख सकते हैं। ये तुरंत नाक को के ओपन करती है, ठीक है, ये आप रख सकते हैं, ये आप डॉक्टर से पूछ के किसी भी कंपनी का आप रख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सर्दी है कुछ है तो आप एक सिरप रख सकते हैं जिससे आपकी सर्दी को कंट्रोल करता है, ठीक है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आपके पास क्या होना चाहिए, इसके अलावा आपके पास होना चाहिए भाई, और ये इलेक्ट्रॉल के पाउच आपके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रॉल्स आपके पास होना चाहिए। पानी सूखा ना पीते हुए, मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था, पानी सूखा ना पीते पीते पानी के अंदर इलेक्ट्रॉल या वाइटल जेड, विटामिन सी आपको देता है वाइटल जेड, आप पानी के साथ पानी का खाली ना देते हुए ये सब चीजों का उपयोग करते जाइए पानी के पास, पानी साथ साथ। इसके अलावा आपके पास एक और इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है आपकी मेडिसिन, जो दवाइयां आपको डॉक्टर ने रिकमेंड की हुई है, दवाइयों के पाउचेस बना बना के, तबियत खराब हम कितनी पढ़ लिखे कभी कभी दिक्कत हो सकती है, दवाइयों के पाउच बना लीजिए हमेशा, किस प्रकार से कैसे कैसे डोजेस आपको लेने हैं उस डोज के हिसाब से आपके पाउचेस बना के अपनी दवाइयां अपने पास, आप जहां पे देखते हैं या आपके कमरे के अंदर अपने पास होना चाहिए, सब कुछ का ध्यान आपको अपने पास स्वयं रखना है। उसके अलावा आपके पास एक गिलास होना चाहिए, आपका सेपरेट गिलास होना चाहिए चम्मच के साथ में, ठीक है। गिलास के साथ साथ आपके पास पानी की 2 बॉटलें आपके पास होना चाहिए, एक में गर्म पानी हो, एक में आपका नॉर्मल पानी, ठंडा पानी नहीं रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास में सैनिटाइजर होना चाहिए, एक बड़ा सैनिटाइजर बॉटल होना चाहिए, एक सिंपल सी छोटी सी सैनिटाइजर जो आपके पास 24 आवर्स किसी भी चीज का उपयोग करते हैं तो आपके पास है, सैनिटाइजर की बॉटल होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास मल्टीपल मास्क होने चाहिए, ठीक है, आपके पास 1 से 2, 3, 4 जो मास्क आप रख सकते हो वो मास्क आपके पास होना चाहिए, ठीक है। इन मास्कों का आपको उपयोग करना है, आप स्वयं आपको इसको धोना है, ठीक है,
आपको धोखे नहीं रखते जाना है, धूप में धूप दिखाते हुए मास्क को रखिए। इसके अलावा आपके पास क्या क्या चीजें और होना चाहिए वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे, शायद अगर कुछ छूट रहा होगा तो। यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि आपका सेपरेट आपके पास टॉवल होना चाहिए, सेपरेट टॉवल होना चाहिए। आपके रिपोर्ट्स पर्टिकुलरली ब्लड टेस्ट की आपको हर चार चौथे पांचवें दिन के अंदर आप ब्लड टेस्ट करवाए, जो जो टेस्ट आपको डॉक्टर बोलते हैं या जो कुछ टेस्ट है जो मैं नीचे लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, वो टेस्ट आपको करवाना चाहिए। ठीक है, वो टेस्ट की रिपोर्ट आपके पास होने से पता चले कि आपकी स्थिति कैसी है कैसी नहीं है। आपके पास में स्वयं के एक से दो जोड़ी कपड़े ऐसे होने चाहिए जो आप यूज करें, दूसरे देशों धो लें, ठीक है, और उसको चेंज कर सकते हैं। आपके पास प्रॉपर एक साफ बेडशीट होना चाहिए, ठीक है, सब कुछ साफ होना चाहिए। इस कमरे को सैनिटाइज करते रहना है, ठीक है। विंडो विंडो आपके पास ओपन रहे, वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं। इसके अलावा आपके पास होना चाहिए जो मैंने भी ध्यान रखा था, वो है आपके पास में योगा मैट, ठीक है। कहा गया है कि जैसे ही कोरोना आपको घेरता है आप योग का रास्ता लीजिए। योग एक ऐसी चीज है जो हमें सबको बचा के रखती है, योग का साथ रखिए। अगर आपके पास योग मैट नहीं है तो आप सिंपल सी चटाई का उपयोग कर सकते हैं या किसी भी चीज का उपयोग कर सकते हैं। आप योग कीजिए, आप सुबह उठते बराबर एक टाइम को फिक्स करने के बाद में योग में अनुलोम विलोम का ध्यान रखिए, ठीक है। अनुलोम विलोम कीजिए, अनुलोम विलोम में क्या करते हैं कि आप प्रॉपर एक स्थिति में बैठते हैं। स्थिति में बैठने के बाद में मैं डिस्कशन में दे दूंगा, मेरे ही कुछ योगा टीचर हैं वो लोग बताते हैं, ठीक है। आपको अपनी एक नाक को सिंपल से ऐसे बंद करना है और दूसरी नाक से सांस लेना है और छोड़ना है, फिर इसको इस प्रकार से ये वाली जो योग स्थिति होती है, फिर इससे अनुलोम विलोम है, ठीक है। एक ब्राह्मणी योग मुद्रा होती है, वो भी आप देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, वो आपको आपको आपके ऊपर करना चाहिए। सिंपल शांति से बैठ के किसी अपने ईश्वर को ध्यान करते हुए ध्यान कीजिए। 10 मिनट 15 मिनट आप शांति से बैठिए, काम तो कोई दूसरे नहीं, शांति से बैठिए और ध्यान कीजिए, ठीक है। अपने आप को पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, ईश्वर का ध्यान कीजिए, अपने बड़े बुजुर्ग का ध्यान कीजिए और पॉजिटिव एनर्जी दीजिए, ठीक है। ध्यान करने के लिए योग आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट है। पर्सनली आपके पास एक डस्टबिन होना चाहिए, जिस डस्टबिन के ऊपर पन्नी लगा होना चाहिए, ठीक है। आपका जितना भी सामान होता है, जो कचरा आपके रूम में निकलता है, वो उसके अंदर डालते जाइए, खाने पीने का सामान डालते जाइए, पन्नी को पैक करिए, सैनिटाइज करिए, बाहर रख दीजिए, घर वालों को बोल दीजिए कुछ कुछ घंटे के बाद आप इसको उठा सकते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीजों के साथ साथ में साथ साथ आपके पास आपका मोबाइल फुल चार्ज और चार्जिंग के साथ में होना चाहिए। अगर आपके पास लाइट की दिक्कत है तो आपका बैंक चार्जर भी आपके कमरे के अंदर होना चाहिए, ठीक है। इमरजेंसी के लिए बैलेंसेस वगैरह सब होना चाहिए 24 आवर्स में। आपके पास कुछ लोग ऐसे होना चाहिए, आपके पापा मम्मी, आपके वाइफ हो सकता है, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके भाई बहन, कोई भी XYZ ऐसे ऐसे प्राणी जो आपके घर के अंदर है, जो 24 आवर्स में कभी भी जब आप उन्हें पुकारें तब आपके सामने वो उपलब्ध हो सकते हैं, ठीक है। आप फोन लगा सके तो ऐसे डॉक्टर से संपर्क करके कि 24 आवर्स आपको कभी भी जरूरत पड़े आप फोन लगाएं तो आपको उनसे आपको कंसल्टेंसी मिल सकती है, आपको जानकारी मिल सकती है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैंने फॉलो किए हैं, और इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विल पावर। पॉजिटिव रहिए, ध्यान रखिए, ये समय भी बीतेगा। अच्छा समय रह के बुरा समय आता है, बुरा समय के बाद फिर अच्छा समय आता है, ये समय हम सबके लिए फाइट का है, ये समय ही बीतेगा। अपनी ताकत को मजबूत रखिए, शक्ति बना के रखिए, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव रहिए, डर लगता है मैंने आपको बोला, ठीक है। आपके घर वाले डरेंगे, आपके से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति डरेगा, ठीक है। और दूसरी चीज जो सबसे पहले मैंने की थी, लोग नहीं कर रहे हैं, बहुत सारे लोग नहीं करते, भाई आपकी अगर रिपोर्ट पॉजिटिव आती प्लीज 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 अपने लोगों को बता दो, अपने मैसेज स्प्रेड कर दो, ठीक है। जो आपके खास लोग हैं जो समझते हैं उनको बताएं, मैंने प्रॉपरली जब मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, मैंने मेरी कॉलोनी जिनसे मैं रेगुलर टच में रहता हूँ, मिलता जुलता हूँ, ठीक है, उनको मैंने फोन ला के बोला कि मेरी पॉजिटिव रिपोर्ट आ गई, मैं घर के अंदर पैक हूँ, और आपसे निवेदन है कि आप लोग भी ध्यान रखिए, अगर आप मेरे टच में आए थे तो प्लीज टेस्ट करवाइए। मैंने पर्सनली फोन लगा के अपने लोगों को बोला है, ठीक है, कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। मैंने मैसेज डाल के भी बोला है सबको कि मेरी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। देखिए छुआछूत या किसी चीज से डरना नहीं है, या ये मत सोचिए कि मेरे से लोग दूर हो जाएंगे, जो दूर होना है होता है तो हों दो, लेकिन आप अपनी ड्यूटी निभाओ, क्योंकि यही आपके लोग हैं जो आपके अच्छे दौर में आपके साथ होते हैं। उनको जब पता रहेगा कि आपके जरूरत के सामने वो आपके पास खड़े रह सकते हैं, ठीक है। ये एक ऐसी स्थिति है जो आपको फाइनेंशियली तरीके से तोड़ती तोड़ती है, ठीक है, और आपको मेंटली भी तोड़ती है। तो मेंटली और फिजिकली आप टूट रहे हो,
सबसे पहले से इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए कि फाइनेंशियली आप अपने आप को स्ट्रांग रखिए। अगर नहीं है तो ऐसे रिश्ते रखिए जो आपके लिए हमेशा हमेशा तैयार रहे। और इन सब चीजों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज मुझे एकदम से ध्यान आई है, अगर कोशिश हो सकती है, जो घर बाहर परेशानी है अगर कोशिश हो सकती है तो एक ऑक्सीजन सिलेंडर छोटा वाला अपने घर में हमेशा रखिए। एक ऑक्सीजन सिलेंडर परचेस कर लीजिए या रेंट पे ले लीजिए और उसको बुला के हमें रखिए, ठीक है। अगर आपका जैसे ही ऑक्सीजन नीचे जाता है तुरंत ऑक्सीजन लीजिए, तुरंत ऑक्सीजन लीजिए, इनहेल कीजिए, ठीक है, तो आपके जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है वो आपके साथ साथ बचेगी। स्थिति गंभीर है, स्थिति नेगेटिव हो रही है, लेकिन हमें नहीं टूटना है। हम लड़ते हुए आए हैं, बहुत सारी चीजों को देखा है, बहुत सारी परिस्थितियों को देखा है। दोस्तों नेगेटिव लोगों से दूर रहिए, न्यूज़पेपर से दूर रहिए, न्यूज चैनल से दूर रहिए इस समय पे, स्पेशली इस समय पे जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको नेगेटिव खबर आती है। पॉजिटिव लोगों से मिलिए, पॉजिटिव किताबें पढ़िए, पॉजिटिव चीजें देखिए जो आपको देखना बन सकता है, पॉजिटिव लोगों से बात कीजिए। चाहे आपके कितने ही खास हो, आपको लगता है कि नेगेटिव इंसान है, बात ही उल्टी सीधे करता है, मत करो उससे इस समय बात, ठीक है। मन को शांत रखो, नींद लो, प्रॉपर तरीके से दवाइयां खाइए, प्रॉपर तरीके से दवाइयों को फॉलो कीजिए और नींद लीजिए। घरेलू नुस्खे बहुत सारे लोग बताएंगे, ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, प्लीज कुछ करने की जरूरत नहीं, होम्योपैथी को फॉलो कीजिए। घरेलू अगर नुस्खे आपको सिंपल फॉलो करना है तो काढ़े को याद रखिए, ठीक है, हर जगह बताए काढ़ा, ठीक है, दिन में आप जितनी बार काढ़ा पी सकते हैं, 3-4-5 बार काढ़ा पी सकते हैं। काढ़े के अंदर काली मिर्च का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पास में दालचीनी पाउडर का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तुलसी पत्ते का होना इंपॉर्टेंट है, अदरक का होना इंपॉर्टेंट है, गुड़ का होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारे काढ़े हैं, कोई सा लिंक मैं आपको इसके अंदर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, घर के अंदर काढ़ा बनाइए, काढ़े को पीते जाइए। ठंडे पानी का सेवन नहीं करना है, फ्रूट्स लीजिए जो आपको पसंद है, इससे सबसे अच्छी चीज है सब खाइए, सब खाइए, जो खाना है खाइए, बड़े तरीके से डाइट लीजिए। अगर आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है तो अंडे का साथ दीजिए, ठीक है, प्रॉपर तरीके से आपको अंडा खाना ही खाना पड़ेगा, ठीक है, अंडा खाइए, क्योंकि अंडे से बेस्ट प्रोटीन के लिए कुछ भी ऑप्शन नहीं है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर अंडे वगैरह सब छोड़ के रखे थे, लेकिन इस समय पे इस स्थिति के अंदर मैंने भी शुरू किए हैं, ठीक है, और मैंने प्रॉपर तरीके से जैसा डॉक्टर मुझे कहा था उस प्रकार से मैंने अंडे का भी सेवन किया था, ठीक है। इसके अलावा आप डाइट का ध्यान रखिए, फ्रूट्स का ध्यान रखिए, पानी का ध्यान रखिए, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में पानी लीजिए, और अगर गर्मी बहुत ज्यादा है तो गर्म पानी पीने की आवश्यकता है। लोग बोलते हैं गर्म पानी पीने, नहीं पीने की आवश्यकता है, आप नॉर्मल पानी पीजिए। गर्म पानी पिएंगे जैसी बॉडी सूखे, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम्स हो सकती है, बॉडी डिहाइड्रेट ना हो उसके लिए पानी पीना बहुत ज्यादा आवश्यक है। सो मुझे लगता है कि शायद मैंने सारे के सारे पॉइंट कवर किए हैं, जो जो चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है वो, ठीक है, इन सब चीजों को ध्यान रखिए, अपने विल पावर को ध्यान रखिए, अपने विल पावर को मजबूत बना के रखिए। कुछ भी नहीं होगा यार आपको, अगर आपने आपने तपस्या बना ली कि मुझे सही होना है, मुझे सही होना खुद के लिए, अपने लिए, अपने लोगों के लिए, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं होगा, क्यों ये समय है बीतेगा, शांति रखिए और याद रखिए ये एक गोल्डन टाइम भी आपके लिए है कि प्लानिंग करने के लिए। आप शांत बैठ के आप अपने आप को समय नहीं दे पाते थे, अपने आप को समय दीजिए, ठीक है, सोचिए आज तक आपसे क्या गलतियां हुई है, सोचिए आपको क्या करना है, अगर व्यापार में है तो सोचिए आपको व्यापार के अंदर क्या 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 करना चाहिए, ठीक है, तब जो आपकी तबीयत सही हो जाए। शांति से बैठिए, लिखिए अगर आपको लिखने का शौक है, लिखिए, पढ़िए अगर आपको पढ़ने का शौक है, ठीक है, आपको टीवी देखने का शौक है तो बहुत ज्यादा टीवी नहीं देखना है, जितना समय हो सके थोड़े से कम समय पर टीवी का चुनाव कीजिए और देखिए। मनोरंजन का ध्यान रखिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और सबसे इंपॉर्टेंटली आराम का ध्यान रखिए, रेस्ट करिए। अगर आपके घर में अंदर एक ही टॉयलेट है और बाकी लोग भी यूज करें तो आपकी जिम्मेदारी बनती है आप टॉयलेट जाएं, आप उसका उपयोग करें, उपयोग करने के बाद में या तो फिनाइल डालें या पानी वहां पे गर्म पानी एकदम पूरे उस पर गर्म पानी डालिए, सैनिटाइज कीजिए, जितनी चीजें आपने छुई हैं बाथरूम के अंदर, आपने उसके नोबेल लगाकर छुए हैं, जितने नल का आपको टच किया उसको आप सैनिटाइज कीजिए, जो जो आपने चीजें छुई उसको सैनिटाइज कीजिए, घर वालों बोलिए 15 से 20 मिनट के बाद में इसका उपयोग कीजिएगा, क्योंकि हम इसके अलावा तो कुछ कर नहीं सकते हैं, कि ऐसा तो नहीं है उनको बाहर भेज देंगे या हम कहीं दूसरी जगह चले जाएंगे, तो आपको ये करना ही करना है। और प्लीज कुछ समय के लिए, वो 14 वर्ष था, ये 14 दिन है, 14 वर्ष राम भगवान चले गए थे, 14 दिन हमारा है, हमारा वनवास है हमारे कमरे के अंदर, ठीक है, इस वनवास को रखिए अपने पास में, विल पावर को अच्छे से रखिए। मैं मेरी तरफ से प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी स्थिति नहीं आए, अगर आती तो प्लीज इन सब चीजों का जो जो मैंने आपको बताया है इसका प्रॉपर तरीके से फॉलो कीजिए। आप सब सही रहें, आप स्वस्थ रहें, ये मेरी मनोकामना है और मेरी प्रार्थना भी है ईश्वर से, ठीक है, ये समय हमारा बीतने वाला है। सो अगर आपको लगता है मेरी सारी चीजें ये मैंने जो बताई है प्रॉपर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये अपने सारे साथियों को, दोस्तों को, समाज में जितने लोग हैं उन सब तक उसको पहुंचाइए, ठीक है,
और कि उनको भी इन चीजों की जानकारी मिले, और इंतजार मत कीजिए कि बीमार होंगे तो ये चीजें लेके आएंगे, ये छोटी छोटी चीजें हैं मेडिकल तो उपलब्ध हो जाएंगी, ये सब चीजें अपने घर में रखिए, ठीक है। लोगों से डिस्टेंस बना के रखिए और सरकार के नियम को फॉलो कीजिए, ठीक है। मास्क लगाना आवश्यकता है, हाथ धोते रहिए, ठीक है। सैनिटाइज का उपयोग करते रहिए, 2 गज की दूरी बना के रखिए। इसी सब चीजों के साथ साथ पुनः मैं आपका धन्यवाद प्रेषित प्रेषित करना चाहता हूँ। आपने, मेरे साथियों ने मेरी प्रार्थना की, मेरे बड़ों ने आशीर्वाद रखा, उस सब के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ सब स्वस्थ रहें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।